नमस्कार निमित निमित टुडे में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और लोकसभा चुनाव में निमित जिले में 615,000 से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे और 743 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा। निमित कलेक्टर दिनेश जैन ने पूरी समीक्षा की और कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए प्रशासन तैयार है। सुनिए क्या कहा कलेक्टर दिनेश जैन ने और क्या की कलेक्टर एसपी ने मतदान को लेकर। अभी देखिए, नीमच जिले के सभी मतदाताओं से मेरा ये आग्रह कि 13 मई को लोकसभा का निर्वाचन संपन्न होना है। मतदान करना आपका एक संवैधानिक अधिकार है और लोकतंत्र में सरकार चुनने के लिए आपका एक माध्यम है, इसलिए आप आवश्यक रूप से अपने मतदान केंद्रों पर आएं और वोट करें। और मेरा ये भी आग्रह है कि आप मतदान पर्ची के अलावा कोई एक पहचान का पत्र जरूर लाएं, चाहे वो आधार। जिला नीमच में 13 तारीख को लोकसभा का मतदान होना है, उसके लिए सभी नीमच के जो वासी हैं सभी से हमारा आग्रह है कि आगे आएं और बढ़ चढ़ कर मतदान करें और जो उनका अधिकार है मत देने का उसको अपना उसको यूज़ करें और जो लोगों को भी प्रेरित करें जो उनके साथ में हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, सभी को प्रेरित करें, सभी बाहर आएँ और वोट।